चलिए बात अब लोकसभा को लेकर। आज लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में आज पीएम मोदी का संबोधन होना है। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी जवाब देंगे। पीएम मोदी शाम करीब 4 बजे जवाब देंगे। पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर भी बोलेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कल आपको याद होगा राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर हिंसा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए, और जिस तरह से देखा जाए मणिपुर को लेकर किस तरह से उनकी तरफ से कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए। और इसके बाद कल शाम को गृह मंत्री अमित शाह का भी संबोधन हुआ। और आज का दिन बेहद खास लोकसभा के लिए, सत्र का आज आखिरी दिन भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर को लेकर जवाब भी देंगे। जो तमाम सवाल कल विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए उनको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो वोटिंग भी होगी सदन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर बोलेंगे, आज लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। और वहीं राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा से राहुल का विवादित बयान हटा, संसद की कार्यवाही से हत्या शब्द को हटा दिया गया है। आपको याद होगा मणिपुर को लेकर कल उन्होंने भारत माता की हत्या की बात, हत्या का जिक्र, हिंदुस्तान की हत्या का जिक्र जिस तरह से किया गया था, उस भाषण को हटा दिया गया है। हत्या का जो शब्द है उसे हटाया गया है रिकॉर्ड से। तो लोकसभा से राहुल का विवादित बयान जो है वो हटा दिया गया है, संसद की कार्यवाही से हत्या शब्द को हटाया गया है। दरअसल जब जिक्र किया गया राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर को लेकर, तो उस बात पर बीजेपी निशाना साधा। स्मृति ईरानी जो है वो हमलावर होती हुई नजर आई, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहली बार इस तरह का शब्द जो है वो सदन में, हत्या जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ये संसद की कार्यवाही से हत्या शब्द जो है वो हटा दिया गया है। तो राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर है। और वहीं विपक्ष पर अमित शाह का जोरदार हमला, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को अमित शाह का करारा जवाब। मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, अमित शाह की तरफ से कहा गया। मणिपुर के हालात की पल पल खबर ली, सीएम सहयोग कर रहे हैं तो क्यों हटाया जाए उन्हें, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। लगातार विपक्ष जो है वो मणिपुर में सीएम को हटाने के इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन इस पर साफ कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि पल पर जानकारी जो है वो हम मणिपुर की ले रहे हैं, और लगातार सहयोग जो है मणिपुर प्रशासन और सीएम की तरफ से किया जा रहा है, तो ये कार्रवाई मणिपुर सीएम पर क्यों होनी चाहिए। और ये तमाम सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे, जिसका जवाब कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सदन में दिया गया, और सरकार से जुड़ी तमाम उपलब्धियों को भी गिनाते हुए नजर आए थे अमित शाह। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, दोनों गुटों की ओर से रणनीतियां बन रही हैं, ऐसे में संसद को दोनों पक्ष बड़ा मंच मान रहे हैं। लिहाजा विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा जारी है। संसद के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी के भाषण से शुरू हुई। राहुल गांधी ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा, मणिपुर पर बात की, तो इसका जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में दिया। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं आज हिंदुस्तानी के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर
भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। यहां पर तालियां बजाती रही, जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है।